अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू study.com। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। न्यूमेरिकल पोर्शन फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का सिंटेक्स बोर्ड, ठीक है। न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है कि फाइंड करें आप मास ऑफ KClO3 का, जो कि हमें रिक्वायर्ड है ताकि हम प्रोड्यूस कर सकें 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ KClO3 रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स देखें, जब भी आप मास कैलकुलेट कर रहे हो, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रहे हो, या जो स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन हमारे पास होती हैं, तो सबसे पहले आपका जो मेन काम होना चाहिए, जो आपका मेन स्टेप होता है, वो ये होता है कि आप इक्वेशन को बैलेंस करें, ठीक है। सिमिलरली जब आपके पास इक्वेशन बैलेंस होती है, तो लास्ट तक आप अगर प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, लेकिन अगर आपका तरीकेकार ठीक होगा, लेकिन आपका आंसर लास्ट में जा करके ठीक नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है, बैलेंस करना इक्वेशन को। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, 2 KClO3 है हमारे पास, ठीक है। रिएक्टेंट साइड पर प्रोड्यूस क्या कर रहा है हमारे पास, 2 पोटाशियम क्लोराइड प्लस 3 O2, ठीक है। यानी कि 2 पोटाशियम क्लोराइड प्रोड्यूस कर रहा है और 3 हमारे पास ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने क्या करना है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास 39 होता है सोडियम का मास, ठीक है। क्लोराइड का 35.5 होता है, ऑक्सीजन का हमारे पास 48 होता है, ठीक है। 1 ऑक्सीजन का हमारे पास 16 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 48। सबको आप एडअप करेंगे तो 122.5 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पर पोटाशियम KClO3 के साथ अगर कोई भी कोफिशियंट नहीं लगा हुआ होगा, तो इसका मतलब कि जो इसका होल ओवरऑल जो इनका मास आएगा, मल्टीपुलर मास आएगा, वो हमारे पास आएगा 122.5। लेकिन चूंकि यहाँ पर 2 भी लगा हुआ है कोफिशियंट के तौर पर, तो हम 2 को सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो होल निकल करके आएगा वो 245 ग्राम होगा, ठीक है। किसका, 2 KClO3 का। सिमिलरली स्टूडेंट्स, KCl से हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो हमने इसको नेगलेक्ट कर दिया, पहले मैं कर रही थी यहाँ पर, लेकिन फिर मैंने इसको हटा दिया क्योंकि हमारे से कोई काम है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 1 ऑक्सीजन 16 है, 3 ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96 ग्राम, ठीक है। अब आपको क्या चीज समझ आ रही है कि 2 KClO3 ने हमारे पास 2 पोटाशियम क्लोराइड प्लस 3 ऑक्सीजन प्रोड्यूस किए, ठीक है। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें हम एक लाइन लिखेंगे कि 3 मोल्स जो, अच्छा यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें सिर्फ रिएक्टेंट बताना, रिएक्टेंट का मास बताना है, यानी कि KClO3 का बताना है, ठीक है। हमें कहा गया है कि 3.3 मोल्स जो है वो ऑक्सीजन के, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहे हैं किससे, फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ KClO3 से। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कि 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस हुए कितने, 245 ग्राम ऑफ KClO3 से। तो फिर 3.2 ग्राम कितने ग्राम ऑफ KClO3 से प्रोड्यूस होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमने यूनिटरी मेथड को अप्लाई किया है कि 96 ग्राम 245 ग्राम से प्रोड्यूस होगा, तो 3.2 ग्राम कितने KClO3 से प्रोड्यूस होगा, तो 245 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3.2 से और डिवाइड कर देंगे 96 से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर फाइनल आंसर जो हमारे पास आया वो क्या आया है, 8.16 ग्राम ऑफ KClO3। यानी कि अगर 245 ग्राम प्रोड्यूस करा है 96 ग्राम, तो अगर हमारे पास 8.16 ग्राम ऑफ KClO3 होगा, तो वो कितना ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, 3.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। एक दूसरी एग्जाम्पल करते हैं, थोड़ी सी चेंज एग्जाम्पल है, लेकिन वो आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ आएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए, कैलकुलेट करें मास ऑफ KCl एंड ऑक्सीजन ऑफ 10 ऑन हीटिंग 49 ग्राम ऑफ KClO3। यहाँ पर स्टूडेंट्स, पिछले एग्जाम्पल में हमें रिएक्टेंट का मास पता करना था, लेकिन अब हमें कहा गया है कि 49 ग्राम यानी कि रिएक्टेंट का मास हमें गिवन है। हमें कहा जा रहा है कि आप प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करें, यानी कि पोटाशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन के मास को आप कैलकुलेट करके बताएं कि 49 ग्राम कितना ग्राम ऑक्सीजन और कितना ग्राम जो है वो पोटाशियम क्लोराइड को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, 249 ग्राम ओवरऑल है, ठीक है। ओवरऑल हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला है पूरे का, 245 ग्राम आया हमारे पास, 2 KCl का 149 ग्राम आया,
3 O2 का हमारे पास 96 ग्राम आया। ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप मैं पीछे कर चुकी हूँ पिछले वाले एग्जाम्पल में, तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही यहाँ पर मेंशन कर दिया है, पूरे प्रोसेस को स्किप कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा प्रोसेस किया है क्योंकि वहां पर ये मैंने स्किप कर दिया था। ठीक है, तो ये 245 ग्राम रिएक्टेंट ने मिलके हमारा रिएक्टेंट ने क्या बनाया हमारे पास 149 ग्राम ऑफ 2KCl और 96 ग्राम ऑफ 3O2। ठीक है स्टूडेंट्स हमारे पास एक मेथड है जिसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, यूनिटरी मेथड में ये होता है कि आप सबसे पहले अपनी कैलकुलेशन में 1 ग्राम कैलकुलेट करें, और जब आप 1 ग्राम की कैलकुलेशन आपके पास निकल कर आ जाएं तो आप 1 ग्राम की कैलकुलेशन को इस्तेमाल में लाते हुए फर्दर कैलकुलेशन को जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इस में भी मैंने सबसे पहला स्टेप यही किया है जो कि बहुत इजी है। जब आपके पास 1 ग्राम की कैलकुलेशन आ जाती है तो फिर आप इजीली बाकी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स, इक्वेशन को देखें, हमारे पास 2KClO3 ने 2 ही KCl और 3 ऑक्सीजन हमारे पास प्रोड्यूस किए। ठीक है, लेकिन इस 2KClO3 का ओवरऑल ग्राम जो था वेट वो कितना था, 245 ग्राम था। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ये जो 245 ग्राम है ये तो मेरे पास ओवरऑल पूरे 2KClO3 का हमारे पास आया है। ठीक है, और कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, और 245 ग्राम है। ठीक है, अब मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगी कि 245 ग्राम को यूज करते हुए मैं सबसे पहले 1 ग्राम निकालूंगी, कि ये तो 245 ग्राम ने जो है वो 96 ग्राम और 149 ग्राम रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स बनाई हैं, लेकिन 1 ग्राम अगर KClO3 होता तो वो कितने ग्राम ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता। अगर 1 ग्राम ऑफ मेरे पास KClO3 होता तो वो कितने ग्राम ऑफ के पोटाशियम क्लोराइड हमारे पास प्रोड्यूस करता। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे हम, हमें मालूम है ये चीज कि 2 मोल ऑफ KClO3 ने प्रोड्यूस किए हैं, कितने मोल ऑक्सीजन के, 3 मोल ऑक्सीजन के प्रोड्यूस किए हैं। तो भाई 2KClO3 का ओवरऑल कितना है, 245 ग्राम है, मैंने लिख दिया 245 ग्राम, कितना प्रोड्यूस किया, 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये तो 245 ने किया, 1 ग्राम ने कितना प्रोड्यूस किया, तो यहां पर मैंने क्या लिखा, 1 ग्राम ने कितना प्रोड्यूस किया वो मुझे मालूम नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन मार्क, अब ये 96 इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 245 यहां पर आकर के क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 96 को आप 245 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 0.39 ग्राम आया। ये जो मेरे पास स्टूडेंट्स 1 ग्राम आया है, क्या आया मेरे पास कि 1 ग्राम KClO3 कितना प्रोड्यूस करेगा, 0.39 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरी बात ध्यान से सुने आप कि 245 ग्राम ने 96 प्रोड्यूस किया है तो 1 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा। जब मुझे 1 ग्राम का पता चल जाएगा कि 1 ग्राम KClO3 जो है वो कितना प्रोड्यूस करेगा तो फिर उसको मैं फर्दर कैलकुलेशन में यूज करूंगी। ठीक है, अब मुझे यहां पर देखिए ये चीज समझ आ गई है कि 1 ग्राम KClO3 ने प्रोड्यूस किए कितने, 0.39 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 1 ग्राम ऑफ KClO3 ने प्रोड्यूस किया कितना, 0.39 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप ये बताओ कि 49 ग्राम ने कितना प्रोड्यूस किया। अब मैं इसको 1 ग्राम को यूज करती हूँ, 49 ग्राम का निकालूंगी। ठीक है, 1 ग्राम ने इतना प्रोड्यूस किया तो 49 ग्राम कितना प्रोड्यूस करेगा ये मालूम नहीं है, तो 49 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.39 से और डिवाइड आप करेंगे 1 से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 19.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट्स, 245 ग्राम ने 96 प्रोड्यूस किया, 1 ग्राम ने 0.39 प्रोड्यूस किया, तो जब 1 ने 0.39 प्रोड्यूस किया तो 49 कितना प्रोड्यूस करेगा, 49 प्रोड्यूस करेगा आपके पास 19.2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अब चलते हैं KCl की जाने कि KCl कितना प्रोड्यूस करेगा। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कंडीशन के अकॉर्डिंग 2KClO3 ने कितने मोल प्रोड्यूस किए, 2KCl प्रोड्यूस किए, 2 यानी कि 245 ग्राम ने 149 ग्राम प्रोड्यूस किया, 245 ग्राम ने 149 ग्राम प्रोड्यूस किया, तो 1 ग्राम KClO3 कितने ग्राम KCl प्रोड्यूस करेगा। आ रही है समझ में बात, यानी कि 2KClO3 ने 245 ग्राम ने 149 को प्रोड्यूस किया, तो आप सबसे पहले ये बताओ मुझे कि 2KClO3 ने 1KClO3 ने कितने ग्राम KCl प्रोड्यूस किया। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे यहाँ पर कि 249 ग्राम ने 149 प्रोड्यूस किया, तो 1 ग्राम KClO3 कितने ग्राम पोटाशियम क्लोराइड प्रोड्यूस करेगा। 149 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 249, तो 1 ग्राम आपके पास KClO3 प्रोड्यूस करेगा 0.59 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड।
वन ग्राम इतना प्रोड्यूस करेगा, तो फिर आप बताएं कि 49 ग्राम ऑफ KCLO3 कितने ग्राम पोटेशियम क्लोराइड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर दें 49 से, डिवाइड कर देंगे आप 1 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 29.32 ग्राम। ठीक है, यानी कि 245, 49, 96। ठीक है, यूनिटरी मेथड में ये होता है कि आप सबसे पहले 1 ग्राम की कैलकुलेशन आप कर लें, और जो कि बहुत आसान तरीका भी है कि जब आप 1 ग्राम की कैलकुलेशन कर लेते हैं, उस कैलकुलेशन को आप फर्दर यूज करके जितने भी मजीद आपको रिएक्टेंट के दिए गए हों, आप उसके हिसाब से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपको मेरी ये वीडियो स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।